बाबा की साकार मुरली है। अप्रैल 12, 2023। बाप दादा मधुबन, प्रातः मुरली है श्री बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। योग अग्नि के बिना पाप भस्म नहीं होते, और योग अग्नि का आधार है ज्ञान अमृत। मगर ज्ञान मिल जाने के बाद योग का महत्व ज़्यादा रहता है। योग के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती, और इसलिए कहते बुद्धि योग, और योग से ही सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। प्रश्न है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है भक्ति से नहीं? उत्तर है, जीवन मुक्ति का रस। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस मिल नहीं सकता। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही ज्ञान है, उस पर चलने से स्वर्ग की राजाएं मिल जाती। भक्ति में इग्नोरेंस से अज्ञानता है, उसमें मुक्ति जीवन मुक्ति की बातें नहीं है, जो है वहाँ समझ नहीं। इसलिए वो जीवन मुक्ति का रस ज्ञान से ही मिलता है, और भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है जीवन मुक्ति। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। हमारी जब किस्मत बिगड़ जाती है, जब मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं, तो उसको सतो प्रधान बनाने के लिए भोलानाथ को आना पड़ता है, और वही सबकी बिगड़ी हुई किस्मत को सुधारता है। ओम शांति। बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं, बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है, शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। कोई चित्र देखे व न देखे परंतु याद करते हैं शिव भोलानाथ। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोला नाथ नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। किसी के बुद्धि में कोई देवता व कोई देवदूत का चित्र नहीं आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो, अभी तक हमको भी पता नहीं था, बाबा ने आकर ज्ञान दिया तो हमें पता चला। अब भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कोई प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति है वो क्षणिक है, ज्ञान मार्ग की प्राप्ति बहुत ही ज़्यादा है। और हम जो ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में छोटी छोटी बातें बताते हैं वो कोई प्राप्ति नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग में अनजाने में भी होती है। इसलिए छोटी छोटा कोई काम हो जाना बाबा कर दे वो ज़्यादा वर्णन करना नहीं है, सबको होता है, सब जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में किसी का मुख मीठा नहीं होता, क्योंकि वहाँ जो प्राप्ति इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। पल कितनी भी महिमा करते रहे मुख मीठा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ रिकग्निशन ही नहीं है, परिचय ही नहीं है कि उनका रूप क्या है, उनका नाम क्या है, उनका धाम क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। बाबा के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो, शिव भोला नाथ बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है। बाबा कहेंगे और समझ से कहेंगे तो वर्षा मिलेगा, वर्षा मिलेगा तो मुख मीठा होगा। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। पढ़ाने क्यों आया है? राजयोग सिखाता है, राजा देने के लिए आया है, कोई प्रजा बनाने के लिए प्रजा योग नहीं सिखा रहा। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती, पिता कहेगा तो ऑटोमेटिक बच्चा पिता की प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है, मतलब याद आती है। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी उनको कहा जाता है, वही एक है जो मनुष्य सृष्टि का पूरा झाड़ है, जिसका बीज है,
जिसके द्वारा ही पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। झाड़ का एक ही बीज होता है, इसलिए कंपैरिजन कैसे कर करें, ग्रोथ और डेवलपमेंट मनुष्य सृष्टि का कैसे होता है, इसलिए झाड़ के साथ। कल्प वृक्ष से हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में है क्रिसमस ट्री। तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी वह एक बीज है जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है, क्योंकि बाप हो गया ने, पिता है, तो पिता क्या करता है, क्रिएटर है, वो नई मनुष्य सृष्टि की रचना करता है। नई मतलब कोई ऊपर नहीं है, यहाँ ही होती है, इस दुनिया पर, ये पृथ्वी पर ही होता है, सब कुछ खेल चलता है। यही वर्ल्ड ड्रामा स्टेज है जिसके ऊपर सब खेल चल रहा है। पूरे के पूरे जो डायरेक्टर है, क्रिएटर है, मुख्य एक्टर उसका और सब आत्माओं का, बाकी सब हुए उनके बच्चे, बाप वो एक ही है। भक्तों का भगवान बाप एक है, भक्त याद करते हैं भगवान को परंतु पूरा जानते नहीं है। भगत जिसकी गत कैसी है, गति कैसी है, वह भ्रू पृथ्वी के साथ जो सब मटेरियलिज्म हो गया है। हमने सब कुछ, बाबा ने जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ सुनाई थी वो सब भौतिक चीज़ों में कन्वर्ट कर दी, उसको कहते भगत। यह भी ड्रामा में नूंद है, भक्ति के बिना दुनिया यहाँ तक पहुँच नहीं सकती, इसलिए वो भी जरूरी है। जितने भी धर्म स्थापक आए वो भी आना जरूरी है, तो ही ये ड्रामा यहाँ तक उनकी प्योरिटी के आधार पर चलते। हमने तो प्योरिटी गंवा दी, द्वापर में आती है, वी लॉस्ट अवर डिविनिटी, तो कौन चलाएगा। प्योरिटी चाहिए दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, तो जो भी साधु संत सन्यासी जो भी है वो किसका बल है, प्योरिटी का बल है, इसलिए तो उनकी हम पूजा करते हैं ना। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए, मैं छिप जाता हूँ, परमात्मा रिटायर्ड हो जाता है, छिप जाता है। ज्ञान सागर भी एक ही है, जैसे वह पानी का सागर भी एक ही है, उनको बांटा गया, ये इंडिया का सागर, ये फलाने का सागर, अटलांटिक सागर, ये वो आदि, हमने उनके पार्टीशन किए है, ओरिजिनल सागर एक ही है। वास्तव में सागर एक ही है, सतयुग में सागर को बांट नहीं सकते, वहाँ जमीन को भी बांट नहीं सकते। भारत रत्नों से भरपूर पूरी दुनिया है, जॉइंट है, इसलिए जितने भी आप नाम देखोगे, ओरिजिनल जो ट्राइब है, ओरिजिनल जो जाति है, सबके पीछे रेड इंडियन एज फॉर एग्जाम्पल इंडियन है, क्योंकि ओरिजिनल सब देवी देवता थे, पार्टीशन होने से सब अलग अलग हो गए। वहाँ कोई रेड यूरोपियन ऐसा नहीं कहते, एक ही सागर रहता है जिसके तुम मालिक बनने वाले हो, वहाँ इतने खंड थोड़े ही रहते, एक ही खंड है भारत कॉन्टिनेंट, दूसरा कोई खंड है ही नहीं, एक बाप की एक राजधानी रहती है पूरी। इसी भारत पर वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी का एक ही राज्य था, जिसको राम राज्य कहते हैं, मगर त्रेता वाला राम की बात नहीं है, जिसको क्रिश्चियनिटी में गॉड्स किंगडम कहते हैं, वो राम की बात है, जो निराकार परमात्मा है। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं, क्योंकि भगवान के समान है क्वालिटी में, विलायत वाले गॉड गॉडेस कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कब राज्य करते थे, कैसे राज्य पाया, कुछ भी पता नहीं उनके राज्य में क्या था, क्योंकि इस दुनिया पर सतयुग और कलयुग ये एक ही जगह पर होते हैं लास्ट 25-30 साल में, जो पूरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन तब, जब तब श्री कृष्ण का जन्म होता है, गद्दी पर बैठता है नारायण के रूप में, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दोनों दुनिया यहाँ है, इसलिए हमने दोनों दुनिया मिक्स कर दी। मगर ये पता नहीं रहा कि उनकी दुनिया जो है कब से चालू होती है, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते पूरा सतयुग आ जाता है, ये पूरा दुनिया विनाश हो जाती है पुरानी, तब चालू होता है, वो हमें याद नहीं रहता, भूल जाते, इसलिए हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। ज्ञान सागर एक बाप है, वही ज्ञान से सबकी सदगति करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा है, कॉन्शियसनेस सुनाने वाला वो है, हम कोई नहीं है, उनसे ज्ञान गंगाए निकल सारे विश्व को सदगति देती है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत शब्द से फिर पुजारी लोग चरण धोकर वह अमृत बनाए पीते हैं।
है ना। परमात्मा सॉरी देवताओं के चरण धोकर पीते हैं, कहीं लोग अपने गुरु को भी चरण धोकर पीते। बाबा कहते हैं उसको अमृत समझते हैं, वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता। आजकल दवाइयों का भी नाम अमृत रखा है, जिससे सब दुख दूर होते हैं, है ना, पानासिया बोलते हैं, सभी रोग की एक ही दवा है। तो बाबा कहते हैं ऐसा मानते हैं, वह भी बात नहीं है, वो भी बात नहीं है। यह तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं। योग को अमृत नहीं कहा जाता, ज्ञान को अमृत कहा जाता। बाबा क्या करता है, ज्ञान खाली नहीं देता है, ज्ञान के आधार पर योग सिखाता है। तो योग को अमृत नहीं कहा जाता। योग अग्नि से तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होगी, बाकी कोई रास्ता नहीं। कितना भी ज्ञान सुना दो तो उससे बीमारियां दूर नहीं होगी, हमारे दुख दर्द दूर नहीं होंगे। दुख दर्द का दूर करने का, अकाउंटिंग सेटल करने का एक ही साधन है, वो है योग। इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। किसकी बात है, बाबा कहते हैं फ्यूचर की बात। इस जन्म में जो किया उनको तो भोगना ही है, मगर ऐसा प्यार से, ऐसे खुशी खुशी से भोगना है कि सब अकाउंट सेटल हो जाए और अंत में पनिशमेंट मतलब सजा न खानी पड़े। यह है योग की बात। बाप कहते योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होगी, वरना नहीं होगी। फिर कब बीमार होंगे ही नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ और वेल्थ लेने के लिए, वहाँ कोई बीमारी होती नहीं सतयुग में। वहाँ ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर है, ना नर्सिस है, कुछ नहीं है, पूरा का पूरा ये जो बिजनेस है आउट हो जाता है वहाँ। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी बीमारी होगी ही नहीं, वहाँ डिसीज है ही नहीं, पूरी ईजीनेस रहता है, पूरी हैप्पीनेस वहाँ। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए आदि आदि, परंतु यह तो सब ड्रामा में नूंद है। नाम पड़ गया है व्यास का, यह है बना बनाया ड्रामा। बाबा कहते नाम दिला दिया है, जो भी तुमने देखा हुआ सब ड्रामा में नूंद है, अनादि बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता। भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ हो जाता है, फल कितनी भी भक्ति करे, कितने भी शास्त्र पढ़े, परंतु वापस नहीं जा सकता। किसी को रास्ता ही पता नहीं, कहाँ से आए भूल जाते। आत्मा जैसे ही नीचे शरीर में आ जाती है देवताओं के, तुरंत ही भूल जाते कहाँ से आए, कहाँ जाना है, बाप कौन है, कुछ नहीं याद रहता। सिर्फ एक ही अंदर घुसा हुआ है क्या, हम आत्मा ही है, और जो ही आधार है पूरी पवित्रता का। सतो प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना, इस कर्म क्षेत्र के बाहर कोई जा नहीं सकता। कर्म क्षेत्र जिसको शास्त्र में कहते कुरुक्षेत्र, तुम जानते हो हम सो सतो प्रधान थे, अब हम सो तमो प्रधान बने। हम सो हम ही सतो प्रधान, हम ही सतो, हम ही रजो, हम ही तमो और हम ही तमो प्रधान। ड्रामा अनुसार बनना ही है। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो अंधियारा हो जाता है, पहले इतना अंधियारा नहीं होता है जितना अभी है। 1200 साल पहले जब कलयुग चालू होता है तब इतना अंधियारा नहीं होता है। रात को भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो कहा जाता है, रात को भी धीरे धीरे कला कमती होते घोर अंधियारा हो जाता है। अभी सृष्टि पर बेहद का ग्रहण है। चंद्रमा ये सारे विश्व की बात है, रावण का ग्रहण लगा हुआ है। द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है, जैसे ही देवान आए ग्रहण लगना शुरू हो जाता है, हमारी पावर कम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं द्वापर से ग्रहण लगना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा लगता जाता है। 2500 वर्ष लगता है, जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है। अभी है बिल्कुल घोर अंधियारा, घोर सोजरा, अर्थात दीन बनाने वाला है बाप, पतित को पावन बनाने वाला है बाप,
माया रावण फिर रात घोर अंधियारा बनाती है। बाप का काम है कंप्लीटली न्यू दुनिया बनाना, माया का काम है घोर अंधियारा बनाना। भक्ति करते भगवान को याद करते ही आते हैं, इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्चेज बढ़ते ही जाते हैं। भगवान भगवान को याद नहीं करेंगे, यदि हमारे में भगवान होगा सर्वव्यापी होगा तो भगवान भगवान को थोड़ी याद करेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए गॉड फादर इज़ वन, हर धर्म स्वीकार करता है ना, गॉड इज़ वन, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बाकी सब है रचना, उनकी रचना है, वो एक ही रचता है या तो रचयिता है। रचना की महिमा, ऐसी महिमा कभी हो नहीं सकती जो बाप की महिमा करते, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, वो उनकी महिमा नहीं हो सकती। पीछे आती है कि सेंटेंस में महिमा, अगर कोई आत्मा सो परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। आई एम गॉड यू आर गॉड परमात्मा कहते हैं वो नहीं है, गायन उस एक बाप का ही है। वह पतित पावन पहली महिमा प्योरीफायर, मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाता है, सारी दुनिया को भी पतित से पावन बना देता है तत्व सहित। दूसरा, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तीसरा, सत्य है गॉड इज ट्रुथ। चौथा, चैतन्य है लिविंग बीइंग है। पांचवा, आनंद का सागर है सत चित्त आनंद। सत ट्रुथ ज्ञान, चैतन्य चित्त और आनंद, आनंद का सागर जो सच्चिदानंद कहते हैं इनका मीनिंग। और छठवा है वो ज्ञान का सागर। छह महिमा एक ही सेंटेंस में, पतित पावन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चैतन्य आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई भी मनुष्य की यह महिमा हो नहीं सकती, कितना भी बड़ा मनुष्य क्यों न हो, शिव बाबा जितनी महिमा किसी की हो नहीं सकती। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस एक सेकंड में आ जाता है। भगवान उवाच गीता में है ना, बाकी कोई शास्त्र में भगवान उवाच नहीं है। रामायण भागवत कुछ भी उठा लो, या तो कोई भी धर्म का कुरान बाइबल, कहीं भी भगवान उवाच नहीं है। यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग है। इनसे कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि उनमें उनकी इंट्रोडक्शन ही नहीं, उनका परिचय ही नहीं है, तो कैसे जाएंगे उनके पास। पिछाड़ी में सबके सबको पाठ बजाने आना है। देखते हैं ना वर्ल्ड का पॉपुलेशन 350 साल में कितने हो गए, 1804 से 2104 गिनो, थोड़ा हूँ मेरे 350 में कम, 1 बिलियन से 8 बिलियन, 100 करोड़ से हम 800 करोड़ हो गए। इसलिए पीछे आने वाले का पार्ट बहुत ही कम है, मगर संख्या बहुत ही। इसलिए बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में सबको पार्ट बजाने आना ही है, कोई वहाँ परमानेंट बैठ ही नहीं सकता। एक जन्म को इस उसे नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, वर्ल्ड ड्रामा स्टेज है। कोई भी एक्टर ड्रामा स्टेज के ऊपर आड़े बिना रह नहीं सकता। गॉड फादर इज वन, वही करण करावन हार है। इसलिए ब्रह्मा से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। मनुष्य को करण करावन हार नहीं कहेंगे, गॉड को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता है। क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर वही है, बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। ऐसा नहीं है वो खाली डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरली मूवी में नहीं आता है, मगर यहाँ तो क्या, वो मेन एक्टर बनकर इस ड्रामा स्टेज पर आ जाता है। डायरेक्शन को ज्ञान कहा जाता है। तुम बच्चों को खुद बैठ समझाते हैं, आत्मा इन आँखों से देखती है, क्या प्रकृति के बीच में रहती है, कहाँ रहती है, प्रकृति के बीच में, और क्या देखती है, आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। मुख से बोलती है, आत्मा बोलती है, शरीर नहीं, परमपिता परमात्मा भी जब आए तब तो मुख से ज्ञान सुनाए, जब तक आए नहीं तब तक कैसे सुनाएंगे। कहते हैं क्या, मैं इस रथ में रथी हो बैठा हूँ, सवार होकर बैठता हूँ। किस रथ में, दादा के शरीर में। तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूँ। कैसा है राजयोग, सहज ईजी। तुम राज ऋषि हो, राजा भी हो और ऋषि भी हो, किंग किंग भी हो, कर्मेंद्रियों के राजा और
पूरे के पूरे डिटैच्ड। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे हे लाडले बच्चे तुम राज ऋषि हो, सिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं है ऐसी बात करने की। बाप ही कहते क्या हे बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती है, किनकी, ब्रह्मा की। ब्रह्मा भी कहते हे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुमको राजा के लिए हमें शिक्षा देनी है। 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी, परमात्मा ने ही दी थी, और 5000 वर्ष बाद हम शिक्षा देने आते हैं। वो आता है एवरी साइकिल एवरी कल्प, ऐसे कोई साधु संत आदि कह न सके। बाप ही समझाते उनको, कि भैया भी कहते हैं बरोबर, तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते, तुम बड़े आराम से बैठे रहे। बाबा के ऊपर जितना फेथ होगा, जितनी याद रहेगी, उतना हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आराम से बैठे रहेंगे, वरना हिलेंगे डुलेंगे और कोई तो डूब भी जाएंगे। बाबा कहते नहीं, हाथ पकड़ कर रखेंगे तो क्या होगा। जब तुम, अब तुम जानते हो, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, हमें भी पता नहीं था ना। फिर यह ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं, तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो ने, यह है गुप्त बातें, तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई, किसी को पता ही नहीं है। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनको समझाना चाहिए गॉड फादर इज वन, तो जरूर बाकी इतने सब उनके बच्चे ठहरे ने, सब धर्म मानता है ने। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज अवर फादर, परमपिता परमात्मा एक ही है, सबका पिता है ने। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सभी भक्तों का भगवान सबको सुख देते हैं ने। उनका नाम ही है सुख करता दुख हरता, वो कभी दुख दे नहीं सकता है। यहाँ कलयुग में तो बहुत दुखी है, मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, सतयुग में दुख की ने, सब धर्म के ये मंदिर मस्जिद आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। हिंदुइज्म नहीं साहब, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब, सतयुग में ये होते नहीं। ये वह है भक्ति कल्ट और यह है ज्ञान कल्ट। जब राज शुरू होती है तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते है ना, जैसा ही देवान आया परमात्मा को ढूंढने की शुरुआत की। शरीर का पिता ये देवान आया तो आत्मा का पिता कौन? तो पहले पहले राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का भव्य हीरे जड़ित सोने का मंदिर बनाया और शुरुआत की। तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हें समझाओ कि गॉड फादर इज वन। भारत में ही गाते क्या, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। यह है मदर फादर कंट्री, कौन सा भारत, अभी टुकड़े टुकड़े होकर के इंडिया बन गए, वही भारत। जगत अम्बा जगत पिता दोनों हैं, दिलवाड़ा मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ, लक्ष्मी नारायण का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो निकाल न सके, कोई एक्टर का ही चित्र ले फिर बनाते हैं। उन्होंने तो राज किया सतयुग में, मनुष्य कहते भी है सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री नहीं है, राधे कृष्ण की है। छोटेपन में दिखाते राधे कृष्ण, मगर कहीं भी लिंक नहीं है बिटवीन राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर नारायण अष्टमी कहाँ गई? बाबा कहते उसको जन्माष्टमी मनाते हैं तो नारायण की मनानी चाहिए, मगर वो पता नहीं है कि ये श्री कृष्ण ही नारायण बनता है। और 8 गद्दियाँ चलती, इसलिए जन्माष्टमी 8 गद्दियाँ है श्री लक्ष्मी नारायण। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं, राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है, दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं। जरूर स्वयंवर हुआ होगा ने, वरना मिलेंगे कैसे? तब राजगद्दी पर बैठे होंगे, राधे कृष्ण का राज तो है नहीं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना है ने। चंद्रवंशी में तो सूर्यवंशी श्री कृष्ण आ न सके, बड़े मूंज गए, इसलिए कहाँ ले जाए।
चंद्रवंशी में दिखा नहीं सकते, इसलिए उसको द्वापर में ही उनके लिए ले जाना पड़े, इसलिए मुंझे हुए। तो पहले पहले समझाना है, गॉड फादर एक है, वह होते हैं हद के फादर। दुनिया में जो हमारे माँ लौकिक पिता है वो है हद के फादर। स्त्री रची फिर स्त्री से बच्चे पैदा किए, स्त्री को एडॉप्ट किया, जन्म नहीं दिया। जैसे यहाँ भी बाबा क्या करता है, ब्रह्मा मुख से हमें एडॉप्ट करता है, जन्म नहीं देता है, बाद में उनके मुख से हमारा मर जीवा नया जन्म होता है। उसी तरह दुनिया में भी क्या होता है, यही कि स्त्री को एडॉप्ट करते हैं और बच्चे को जन्म देते, स्त्री को जन्म नहीं देते। बेहद का बाप भी कहते मैं इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करता हूँ, किन में, दादा में, ब्रह्मा में। भगवान ने सृष्टि कैसे रची ये किसको भी पता नहीं है, सब अज्ञान अंधेरे में डूबे हुए हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती फिर सागर में पत्ते पर आते, कृष्ण कोई सागर के पत्ते पर आए ऐसा हो नहीं सकता है। अगर ऐसा है तो अकेला श्री कृष्ण कैसे सृष्टि रचेगा, मान लो है हाइपोथेसिस, तो उनको पूछो अकेला क्या करेगा, फीमेल भी चाहिए ने, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। बाप कहते मैं अडॉप्ट करता हूँ, मतलब ये कोई श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर नहीं, तो पीपल का पत्ता क्यों दिखाते, क्योंकि पीपल ही ऐसा वृक्ष है जो पवित्र माना जाता है, जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, मतलब उनका जन्म पवित्रता से होता है, वहाँ अपवित्रता की बात नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना गर्भ महल है वो, इसलिए दिखाते हैं पवित्रता के पत्ते पर। तुम सब कहते हो बाबा हम आपकी मुख वंशावली है, मैं इस मुख का आधार लेता हूँ, कहता हूँ हे बच्चे। तुम भी कहते हो हे शिव बाबा हम आपके बच्चे थे फिर बने हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैंने वैकुंठ की सौगात लाई, तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, कोई बाबा स्वर्ग का नौकर चाकर बनाने नहीं आया है, यह राजयोग है। क्यों, किसके लिए, राजा स्थापन हो रही है, राजा स्थापन करने के लिए। और प्रिसेप्टर ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन राजा स्थापन करता हूँ, कोई भी धर्म स्थापक ये नहीं कह सकता है, बाबा ही ये कह सकता है कि मैं क्या करता हूँ, ये नया राज्य स्थापन करता हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं क्रिश्चियन राजा स्थापन करता हूँ व सिख राजा स्थापन करता हूँ, ऐसा कोई भी धर्म स्थापक प्रिसेप्टर कह नहीं सकता है। नहीं, तुम नई दुनिया में राजा लेने के लिए शिक्षा पा रहे हो, ये वंडर है ने, गॉड फादर है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजा पाने का हक है ने। सतयुग में राजा थी, मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं अभी तुम जानते हो, हमें भी पता नहीं था, बाबा का बने, बाबा ने हमें ढूंढ निकाला, बाद में पता चला। भगवान वाच क्या है, भगवान वाच यह है हमारे मुख वंशावली, हम सब है उनके कुख वंशावली नहीं है, मुख वंशावली, मुख के द्वारा पैदा हुए, बाकी सभी है रावण की कुख वंशावली, क्योंकि विकार से पैदा हुए है ने, वह ब्राह्मण कुख वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली हो। दुनिया में जो ब्राह्मण है वो क्या है, कुख वंशावली है। तुम समझा सकते हो ब्रह्मा की वाला जरूर ब्राह्मण ठहरे ना, ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान भी ब्राह्मण ठहरे, ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं ना, तुम हो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण। ब्राह्मण है सबसे उच्च, ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है, जैसे ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया है, भक्ति मार्ग में जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें ऊपर शिव बाबा नहीं है, अपना जो चित्र है ब्रह्मा कुमारी का ऊपर में क्लियर कट शिव बाबा, वैसे ऊंचे थे ऊंच ब्राह्मणों को भी चोटी से उड़ा दिया है। जो विराट रूप का चित्र है वो देखोगे तो उसमें भी चोटी नहीं है, वहाँ से उड़ा दिया है भक्ति मार्ग में, विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते, सिर्फ दिखाते क्या है, सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले पहले तुम ब्राह्मण हो, वहाँ से निकाल दिए, तुम कितनी भारी सेवा करते हो,
ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनसे पैदा किए हुए तुम बच्चे हो। शिव बाबा तो नई सृष्टि पर आते नहीं, स्वर्ग में नहीं आते, तुम आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य देता हूँ, फिर मेरा नाम ही गुम हो जाता है, मैं छिप जाता हूँ। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची, ये कोई नहीं जानते। इसलिए तो सब क्या हो जाता है, अज्ञान अंधियारा अंधियारा। अब नया कोई आता है तो जास्ती माथा नहीं मारना है, पहले पहले परिचय देना है बाप का, वह है स्वर्ग का रचयिता। देवता ये स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब वह शूद्र वर्ण में है, फिर उनको ब्राह्मण बनाते। वर्ण भी है ना, बाबा कहते कास्ट नहीं है, क्लैन है, वर्ण है, विराट रूप का चित्र भी है। ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है, वहाँ दोनों उड़ा दे, चित्र और ब्राह्मण की चोटी। जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं, वैसे ब्राह्मणों के ऊपर भी शिव दिखाना है। बाबा हर चीज़ क्लैरिफाई कर रहा है, समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, वह फिर ब्राह्मण 100 देवता, 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य, 100 शूद्र बनते हैं। पहले पहले तो कोई को भी अलप ही समझाना, अलप मतलब अल्लाह मतलब परमात्मा। वह बाप इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो सब भाई बहन हो जाते हैं। शिव की संतान तो सब आत्माएं है ही, फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। बाबा कहते एक ही बाप के बच्चे हैं, आत्मा के रूप में आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। मगर जैसे ही एडॉप्शन होता है तो वहाँ मेल फीमेल होते, इसलिए भाई भाई। ऐसे ये सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है, उसी बाप को सब भूले हुए हैं। देखो बाप दादा कितना क्लियर कर समझाते हैं, बच्चों को भी सीखना है। बाबा हर मुरली में सिखाता है और हमें सीखना है, अपना ज़्यादा एडिशन नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दी बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, हम राज ऋषि है, राजा भी प्राप्त करते हैं और ऋषि भी है, पूरे के पूरे डिटैच भी। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजा का वर्षा देते हैं, इसी नशे में रहना है, नशे के बिना खुशी नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कहते क्या नशा रखो, हम राजयोग सीख कर महाराजा महारानी बनेंगे, समान। दूसरी पॉइंट है, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है, इस जन्म के कर्म भोग को याद में रह चुप्त करना है ना। कल सुनाया था तो आज बहन जी का फोन आया था कि हमें भट्टी करनी है, भट्टी करें, एक ही संकल्प लेकर एक ही समय पर एक ही स्थान पर भट्टी करो और देखो क्या होता है। तो कहने का मतलब तो सुधार होगा, वरना ऐसे ही रह जाएंगे। वरदान है पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा, इसकी धारणा प्योरिटी की, हमें चेक करना है कहाँ तक कर्म में है, वचन में है, मन में है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले तो ही होगा, ब्रह्माचारी भव, ब्रह्मा को फॉलो करने आचरण में लाने वाले, ब्रह्मा ने जो किया वैसे करने वाले बनेंगे। तो बाबा समझाते हैं ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है, यह निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। यदि प्योरिटी नहीं है तो साइलेंस का अनुभव नहीं होगा, बार बार ढूंढेंगे। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले। हमें चेक करना है अपने को कहाँ तक हम चलते हैं और कहाँ तक हम ब्रह्मचारी बने हैं। संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम हो,
ऐसे जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी बाहर मुखी नहीं और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा, तो ही अति इंद्रिय सुख अनुभव होगा। स्लोगन है सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल। जब तक त्रिकालदर्शी का सेंस नहीं, रूहानियत का एसेंस मतलब सार नहीं, तब तक बाबा कहते बोलते रहेंगे सेवा नहीं होगी। इसलिए हमें सच्चा सेवाधारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।